यहाँ से देख लो अब हालत क्या है बर्फ से। बहुत ज्यादा डेंजरस है बर्फ में राइड करना। बाइक इतनी सिकिट हो रही है क्या बताऊँ। उधर तो इजी है चलाना, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। देख लो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। आज विंटर में ना दो दो ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं, बिकॉज ये वाला ग्लोव मेरा हाफ ग्लोव है, अंदर से मैं इसको ये पहनता हूँ। मेरे पास वो वाले भी है, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो थोड़े से मोटे हैं ज़्यादा, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। एंड ये मैंने एक नया एंगल यहाँ पे ट्राई किया, देखते हैं कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, बाइक तो पहली बार ही स्टार्ट हो गई। काफ़ी टाइम के बाद निकाल रहा हूँ ना बाइक, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं राइड के लिए। इन पैच्स पे ना बहुत ही आराम से चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका बैलेंस गया तो समझो गए। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर फ्रेश व्लॉग। क्या बताऊँ आज कितना एक्साइटेड हूँ मैं। आपको पता ही है, जब से मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो तब से बिल्कुल भी मैंने बाइक नहीं निकाली है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट राइड ऑन माई बाइक। ये लिंक रोड है और हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और गाइज, मैंने बाइक इसलिए निकाली बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं मिस कर रहा था अपनी बाइक को। और जैसा कि आप देख रहे हैं रोड ठीक ही है, बस बीच बीच में पैच्स आते हैं स्नो के, तो दैट्स ओके। सो गाइज, एक और बात, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑल कि आप स्नो में बाइक चलाओ, मतलब मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर रोड क्लियर है तो कोई मसला नहीं, उतना आप चला सकते हो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिलहाल अभी हम स्नो राइड पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। सो इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस हमने स्नो राइड की है पिछले विंटर में, बिकॉज यहाँ पे विंटर में ही बर्फ होती है, तो ऐसा कुछ सीन है। अभी मेरा वाइजर ओपन है, आई थिंक आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो अभी मैं पहुँचा हूँ, ये है हमारा मेन रोड यहाँ पे। आपने नोट्स किया होगा कि जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ आराम आराम से, वैसे मैं बाइक पे नहीं करता, बिकॉज इस नेशनल के बॉडी में एड्रेनल रश होता है, तो उस वजह से मैं जोर जोर से बात करता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है एक्साइटेड होके बात करना। सो गाइज, लेट्स रॉक। अब स्नो क्लियरनेस का काम चल रहा है। भाई साहब, बाइक इतनी सिकिट हो रही है क्या बताऊं, लेकिन मज़ा आ रहा है। बट एक बारी कंट्रोल लॉस हो गया तो पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा डेंजरस है बर्फ़ में राइड करना। मैं आराम आराम से ही चल रहा हूँ गाइस, बिकॉज आगे मुझे पता नहीं है रोड कैसा है। आराम आराम से ही चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में अगर गिर गए ना तो एक तो अपनी इंसल्ट तो एक जगह, दूसरी बात कपड़े सारे गीले होंगे। सो इट्स बेटर टू बी फ्रीकिंग स्लो। बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। पब्लिक रिएक्शन नोट करना था, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं यार। एक तो सुनो, मैं कोई बाइक नहीं चला रहा है यहाँ से, और दूसरा ये जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है ना, ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है आगे से हेलमेट पे, तो इस वजह से थोड़ा लोग नोट्स कर रहे हैं। यहाँ से मुगल रोड स्टार्ट होता है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज पानी ही पानी, कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। यहाँ से देख लो अब हालत क्या है बर्फ से। तो ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने नर्सरी टू 12th क्वालिफाई किया है। यहाँ से तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं उठाया यार, घर से हमारा लिंक रोड तो इससे ज़्यादा क्लियर है, लेकिन इस वाले लिंक रोड पे बर्फ ही बर्फ है। अरे चल पाएगा यार नहीं।
गाइस। गिरते गिरते बच गया मैं। उधर तो इजी है चलाना, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, देख लो। इस पर नहीं चल पाती है यार ये। ऐसा कुछ सीन है करंटली। हेलीपैड तो बंद था, हम वहीं पे जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे स्नो क्लियर नहीं की गई है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अभी आप ये सीन चेक करो, देखेंगे कहाँ तक जा पाएंगे अभी। सो बाइक वहाँ पे, और ये पागल देखो कैसे चल रहा है। कुछ नहीं था यार, थोड़ी सी बाइक गिर गई। हम बाइक तो आप ट्राई कर, ठीक है अब करूंगा मैं ट्राई। अभी यार बाइक बहुत ज्यादा सिकट हो रही है। नहीं पा रहा हूँ अपने कजिन्स के पास, लेकिन गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई। सो सी यू गाइस। सो गाइस फाइनल में पहुंच गया हूँ और आपसे मैं मिलाता हूँ। यहाँ पे कौन बैठा है? ये है आतिफ। आतिफ ये क्या पहना है? हेलमेट। ये किसका है हेलमेट? जरा हेलमेट निकालो और हाई करो। निकालो हेलमेट। हाय।
निकालो 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 अच्छे से, बस रखो साइड में, आप करो हाय, बताओ अपना नाम। चलो ठीक है। सो गाइस ये आथवे मेरे साथ और अमान जो है, अरे यार रुक जा। तो अमान अभी सो रहा है, तो मैं भी अभी जस्ट पहुंचा यहाँ पे और बहुत ज्यादा ठंड लगी, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताऊं यार, इट वाज इनसेन राइड। सो मतलब इतना ज्यादा दिन के टाइम पे तो ठीक था, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा जो रोड है वो स्लिपरी हो गया। सो गाइज आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया हो। सो अगर एंजॉय किया हो तो पता ही है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।